नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका प्रकाश टीवी में। मैं हूं आपके साथ स्माइल चौधरी और वक्त हो चला आज की कुछ अहम खबरों का। लद्दाख में बिगड़ा मौसम, राष्ट्रपति ने बारामूला से दी कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि। तालिबान के कहर से त्रस्त अफगानिस्तान आर्मी चीफ को रद्द करना पड़ा भारत दौरा। रोते हुए बीएस येदियुरप्पा ने दिया कर्नाटका के सीएम पद से इस्तीफा, कहा हमेशा दी है अग्नि परीक्षा। कोरोना काल में पीजीआई ब्लड बैंक रहा मददगार, कोविड काल में 57,000 यूनिट से ज्यादा खून देकर बचाई मरीजों की जान। चंडीगढ़ में राउंड अबाउट में घुसी ऑडी कार, शराब के नशे में गाड़ी दौड़ा रहा था चालक, सेक्टर 42-47 के चौक पर हुआ हादसा। पंजाब में पढ़ाई अनलॉक, 10वीं से 12वीं कक्षाओं के लिए स्कूल खुले, अभिभावकों की अनुमति लेकर पहुंचे विद्यार्थी। लुधियाना में हादसा, तेज रफ्तार बेकाबू कार सिंधवा नहर में गिरी, दो युवक सहित तीन की मौत। सोनीपत में संयुक्त किसान मोर्चे में खींचतान लगातार जारी, चढ़ूनी के बाद अब रुलदू सिंह मानसा सस्पेंड। रेवाड़ी में टोल कर्मचारियों की हड़ताल, दो महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज 88 कर्मचारियों ने बंद किया गंगायचा बैरियर, बोले घर का गुजारा हो गया मुश्किल। हिमाचल में भूस्खलन पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने किया मुआवजे का ऐलान, हादसे में कुल 9 लोगों की हुई थी मौत। हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट, 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी, लोगों को एहतियात बरतने की सलाह। दिल्ली वालों को आज मिल सकती है उमस और गर्मी से राहत, मौसम विभाग का अनुमान आज हो सकती है बारिश। दिल्ली में किसान संसद, आज महिलाएं संभालेगी मोर्चा। आज के लिए बस इतना ही, ऐसे ही कुछ अहम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए अर्थ प्रकाश के साथ। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।